नमस्कार, यह वीडियो कक्षा 10वीं एवं 12वीं वाले समस्त पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एमपी बोर्ड पूरक परीक्षा 2024 का परिवेश पत्र एडमिट कार्ड आपको अपने जोन नंबर के माध्यम से किस प्रकार डाउनलोड करना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपको अपना परिवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना होगा एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारी एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का हमारा पेज खुलकर आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने इस प्रकार का हमारा पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद अब आपको अपना परिवेश पत्र किस प्रकार से निकालना है, उसे निकालने के लिए सिंपल सा आपको बीच वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद वापस से आपके सामने हमारा इस प्रकार का हमारा पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। दोस्तों, मेरी बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से आपका कक्षा 10वीं एवं 12वीं का पूरक परीक्षा 2024 का परिवेश पत्र 1 जून को जारी होने वाला है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से आपका कक्षा 10वीं एवं 12वीं का पूरक परीक्षा 2024 का परिवेश पत्र 1 जून को जारी होने वाला है। अब आपको अपना परिवेश पत्र किस प्रकार से निकालना है। दोस्तों, यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से इस प्रकार की यहाँ पर लिंक आ जाएगी, जिसमें लिखा होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम एडमिट कार्ड। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार की लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप इसी प्रकार की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का हमारा पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद सबसे पहले आपको अपना मेन एग्जाम का जोन नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। उसे टाइप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर कुछ आंसर देना है, मतलब आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। उसे फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का हमारा परिवेश पत्र खुलकर आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट भी आप निकलवा सकते हो ऑनलाइन पर जाकर। और आपको अपना परिवेश पत्र डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके और उसके बाद आपको अपना मेन एग्जाम का रोल नंबर डालकर और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका कक्षा 10वीं एवं 12वीं का पूरा परीक्षा 2024 का परिवेश पत्र खुलकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।